बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वन टीवी और मैं हूं अदील मुमताज। नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। तहरीक इंसाफ से हुकूमत ना ली जाती तो मुल्क दो टुकड़े हो चुका होता। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मईशत के पुराने स्तून अमरीका और वर्ल्ड बैंक थे, मुस्तकबिल के लिए मईशत के नए स्तून के लिए चीन को चुना गया। साबिक हुकूमत ने मईशत के नए स्तून गिरा दिए, गवादर मनसूबे का बेड़ा गर्क कर दिया गया। मूसलाधार बारिशों से बलूचिस्तान में तबाही, सैलाबी रेले कई बस्तियां बहा ले गए, कई देहात डूब गए। बलूचिस्तान में बारिशों के दौरान हादसा में 127 अमवात, 13,000 से ज़ायद घर तबाह, 23,000 जानवर मारे गए। आम शाहराएं बह जाने से सिंध बलूचिस्तान रबता मुनकता हो गया। मुसलसल बारिशों से सूबे के 15 छोटे डैम्पों को भी नुकसान पहुँचा। दरियाओं के बहाव में इजाफे से जनूबी पंजाब में तबाही, राजनपुर, डीजी खान, रोजान, तौंसा में हज़ारों अफराद बेघर हो गए। जतोई के इलाके में 20 से ज़ायद बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। छतें गिरने और मुख्तलिफ वाक़ियात में कई अफराद जाँ भाग। फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, झेलम समेत कई शहरों में बारिश। पाक फौज और FC की सैलाबी इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। ISPR के मुताबिक टीमें बचाओ इमदादी तिबी सहूलियात और मवासराती निज़ाम की बहाली के लिए कोशां हैं। लसबेला और नशके में मैसूर लोगों के लिए इमदादी सरगर्मियाँ हो गई। 1,000 से ज्यादा मुतासरीन को खाना फराहम किया गया। और मौसम की खराबी के बाइस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा टांग मुलतवी। शहबाज शरीफ ने सैलाबी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेना था। वज़ीर आज़म की हदायत पर वफाकी वज़ीर असद महमूद का मुतासर इलाकों का दौरा। मुतासरीन को वफाकी हुकूमत की जानब से हर मुमकिन तआवुन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का UAE में सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार दुख। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। वर्ल्ड टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।